Good morning prep class. Welcome into your maths class. Prep class, I send you the video of ones and tens in the last class. Last class में मैंने आपको एक video send की थी ones and tens की, है ना? I hope you all must have seen it and understood it. तो आप सब ने वो देखी भी होगी और समझी भी होगी. देखी थी सब ने? Have you seen it? Yes, that's like my good class. So today we will solve some questions related to that topic. Then you will get the topic even more clear. तो आज हम लोग जो हैं उससे related कुछ questions को करेंगे. तो आपको वो topic ones और tens का जो topic था हमारा आपको बहुत अच्छे से clear होगा. ठीक है? तो let's start. तो क्लास सी आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कुछ आपको इमेजेस दिखाई दे रही हैं, है ना? ऐसे थ्री लाइंस हैं और ये ऐसे वन टू थ्री लाइंस हैं और दीज आर थ्री लाइंस एंड सम बॉक्सेस रिमेन ऑन द लाइन और इन लाइंस पे कुछ क्या हैं? बॉक्सेस हैं, है ना? तो हमें जस्ट पहले सिंपल इन बॉक्सेस को काउंट करना है. सो लेट्स काउंट द बॉक्सेस. पहले हम लोग जो है फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लाइन से, और इसके बॉक्सेस को काउंट करते हैं. तो वन टू थ्री आपको भी मैम के साथ काउंट करना है. फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. तो फर्स्ट जो लाइन है उस पर हमारे कितने बॉक्सेस हैं बेटा? टेन. ओके, सब ने काउंट किया. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन के बॉक्सेस को काउंट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. अगेन सेकेंड लाइन में भी कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास? टेन. अब हम लोग थर्ड लाइन के बॉक्सेस को काउंट करते हैं. वन टू एंड थ्री. और थर्ड लाइन में हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं? थ्री. ठीक है, अब नीचे देखो ब्लैंक बना हुआ है और टेंस लिखा हुआ है. फिर से ब्लैंक बना हुआ है और वंस लिखना है. तो आपको फिल करना है टेंस. अब देखो हमारे पास कितने टेंस हैं? हमने टू लाइंस में काउंट किया है तो हमारे पास कितने टेंस आए? वन टेन एंड टू टेन. तो हमारे पास बेटा कितने टेंस हैं? टू टेंस. तो हमने लिखा टू टेंस. ओके, अब वंस का मतलब है कि इसके साथ जो है ये टेन के ग्रुप में नहीं है. ये दोनों हमारे टेन के ग्रुप में थे तो टू टेंस लिखा हमने कि वन टेन एंड टू टेन. अब जो थ्री है ये हमारा टेन के ग्रुप में नहीं है, ये सिंगल थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना? मीन्स ये वंस के ग्रुप में है तो हमने लिखा वंस के साथ थ्री. ओके, तो हमारे पास टेंस कितने हैं? टू टेंस. और वंस कितने हैं? थ्री. तो हमारा नंबर क्या बना? टू थ्री ट्वेंटी थ्री. अब हमें इस नंबर को लिखना है. यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है आपके पास, हमें इसमें लिखना है. तो जो भी हमारा नंबर है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 35. ओके, तो उस वीडियो में साफ साफ बताया गया था कि राइट हैंड साइड से हम लोग अपने जैसे नंबर पे हम लिखते हैं वंस, सबसे पहले आता है वंस, फिर आता है हमारा टेंस. ठीक है, सबसे पहले आता है वंस और फिर आता है हमारा टेंस. वंस का हम लोग ओ लिखेंगे और टेंस का टी लिखेंगे. तो ऐसे ही हमारा नंबर है हमारे पास 23. हमारे पास हमारा नंबर है 23. तो हम लोग पहले थ्री के ऊपर लिखेंगे वंस, फिर हम लोग लिखेंगे टेंस. ओके, तो यहाँ पे हमें फिल करना है. वंस कितने हैं हमारे पास? थ्री. और टेंस कितने हैं हमारे पास? टू. तो हमारा क्या नंबर बना? टू थ्री ट्वेंटी थ्री. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा. ओके, अगेन आपको बेटा टू लाइंस दिए हुए हैं और उन पर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमें काउंट करना है. पहले हम लोग अपनी फर्स्ट लाइन के ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं, बॉक्सेस को. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. तो फर्स्ट लाइन में कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास? टेन. सेकेंड लाइन में काउंट करते हैं. वन टू थ्री. तो कितने हैं हमारे पास? थ्री. आप देखो टेंस, तो कितने टेंस हैं हमारे पास बताओ?
कितने टेंस है हमारे पास, सिर्फ एक टेन है ना हमारे पास, तो हम लिखेंगे वन टेंस। अब वंस कितने हैं हमारे पास, थ्री, तो हम लिखेंगे थ्री वंस। तो हमारा नंबर बना 1, 3, 13। तो हम वंस के नीचे 3 लिखेंगे और टेंस के नीचे 1 लिखेंगे, तो हमारा नंबर बन गया 1, 3, 13। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 लाइंस हैं। ओके, 4 लाइंस हैं, हमें काउंट करना है। तो जब हम फर्स्ट लाइन को काउंट करेंगे तो हमारे पास कितने बॉक्सेस आने वाले हैं, 10। कितने आने वाले हैं, 10। जब हम सेकंड लाइन के बॉक्सेस को काउंट करेंगे तो भी हमारे पास कितने आने वाले हैं, अगेन 10। थर्ड लाइन को जब हम लोग बॉक्सेस को काउंट करेंगे तो अगेन हमारे पास 10 बॉक्सेस आने वाले हैं। और जब हम फोर्थ लाइन के बॉक्सेस को काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने आने वाले हैं, 5। अब हमें यहाँ पे टेंस फिल करना है, तो हमारे पास कितने टेंस है बेटा, 1, 10, 2, 10 एंड 3, 10। तो हमारे पास कितने टेंस है, 3 टेंस। और वंस कितना है हमारे पास, 5। कितना है वंस हमारे पास, 5। ओके, तो अब हमें वंस के नीचे क्या लिखना है, 5, और टेंस के नीचे क्या लिखना है, 3। तो हमारा नंबर क्या बना, 3, 5, 35। तो है ना कितना सिंपल, वंस और टेंस को पहचानना और नंबर के रूप में उसको लिखना। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आपको ये 3 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करने हैं, इतने सुंदर तरीके से करने हैं जैसे मैम ने बताए हैं, और अपना वर्क जल्दी से मैम को सेंड करना है। ओके क्लास, बाय बाय।